देखो ये बंदा जो है इसको हमने यहाँ जबरदस्ती बिठाया है इस ब्रो। नहीं या ब्रो, ये बहुत शानदार ट्रेलर है, रामायण की याद दिला रही है आपको। माता सीता जाके पाकिस्तान में बैठ गई है। काट देना एडिटर, काट देना। रोहित शेट्टी अगर पिक्चर बना रहे हैं तो गाड़ी ही उड़ाएंगे। रोहित शेट्टी कोरोना की वैक्सीन पे पिक्चर नहीं बनाएंगे। जब इतनी ज्यादा स्टार कास्ट हो तो आप और एक्साइटेड होते हो कि क्या इस मूवी में सभी एक्टर और एक्ट्रेस जस्टिस करेंगे। अर्जुन कपूर, उसके बारे में क्या कहोगे? रिवाइव हो जाएगा उनका करियर, मुझे ऐसा लगता है। अब बोल बोले यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। विद्या बालन का उसमें रोल है तो इस बार वो क्या अलग टेस्ट लाएगी उसमें? माधुरी और विद्या बालन का जो अभी देखने को मिला पूरा सीन वगैरह। आई एम एक्साइटेड टू सी माधुरी दीक्षित एज मंजुलिका एज वेल। आई रियली लाइक हर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हर। तो मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन ही, उनकी फैन बेस बहुत कल्ट है, अच्छी है, तो वो उस तरफ इंक्लाइन ज़रूर होंगे। तो मैं माधुरी के लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी तो छोटा पंडित वापस आ गया है तो वो एक है ही, बहुत अच्छी चीज़ है। कार्तिक आर्यन का भी रोल नया देखना है मुझे, क्या करने वाला है। भूल भुलैया थ्री, भूल भुलैया में अक्षय कुमार। यार अक्षय बाजी तो नहीं है, एपिक है। ये फाइट है दोनों को देखने वाली की, एक तरफ विद्या बालन और माधुरी है और एक तरफ स्टार कास्ट की भरमार। भूल भुलैया थ्री और सिंघम अगेन, ये ऐसी मूवीज है जिनका इंडिया की ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। तो अब 1 नवंबर को ये दोनों मूवीज रिलीज होने वाली है। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, ट्रेलर भी रिलीज हो गया। तो आइए यहाँ ऑफिस में लोगों से पूछते हैं कि किसको ट्रेलर कैसा लगा, इसमें मसाला मिलेगा उन्हें, एक्शन मिलेगा, या लोगों को कैसा लगने वाला है ये ट्रेलर? सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा? बिल्कुल देखा, बहुत शानदार है और रामायण की याद दिला दी आपने तो। मैं ट्रेलर नहीं याद दिला दी, रोहित शेट्टी। अब रोहित शेट्टी की मूवी है तो गाड़ियाँ उड़ेंगी, धमाल, गाड़ियाँ तो उड़ेंगी, बम भी उड़ेंगे, सब कुछ धुआं, सब कुछ होगा, धमाल है मूवी। सर भूल भुलैया थ्री और सिंघम अगेन दोनों के ट्रेलर देख लिए? बिल्कुल देख लिए। कौन सा ज्यादा पसंद? दोनों बढ़िया है एकदम, मस्त। तो 1 तारीख को ही आ रही है दोनों की दोनों? हम तो दोनों देखेंगे। टिकट पहले लोगे? मैं तो दोनों, जो मैं तो पहले देख लूंगा ना, प्रेस शो जिसका पहले हो जाएगा वो पहले देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फन फैक्ट आपको क्या लग रहा है दोनों ही मूवीज को अगर हम अलग अलग कंपेयर करें? यार देखो, सिंघम मास है, ठीक है। रोहित शेट्टी अगर पिक्चर बना रहे हैं तो गाड़ी ही उड़ाएंगे। रोहित शेट्टी कोरोना की वैक्सीन पे पिक्चर नहीं बनाएंगे। वी नो रोहित शेट्टी का सिनेमा, और इतने सारे लोगों को साथ लाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ऑडियंस जब थिएटर में देखती है ना तो पसंद करती है। हम भले ही कुछ लोग इंटेलेक्चुअल बनने के लिए उसको ज़बरदस्ती ट्रोल करते हैं कि हाँ यार रोहित शेट्टी गाड़ी उड़ा रहा है। भाई रोहित शेट्टी का सिनेमा अगर जानते हो तो गाड़ी ही उड़ाता है, और मास सिनेमा जो होता है ना उससे इंडस्ट्री चलती है। विलेन, विलेन की अगर मैं बात करूँ, अर्जुन कपूर, उसके बारे में क्या कहूँ? रिवाइव हो जाएगा उनका करियर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब रोहित शेट्टी ने उन्हें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी। रोहित शेट्टी की फिल्म में विलेन बन जाना, मुझे लगता है जयकांत शिकरे, हमें अब भी याद है कुछ होता है तो जयकांत शिकरे की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। सब लोग यही बोल रहे हैं कि अर्जुन कपूर को एज अ विलन देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो एक मामाज बॉय वाला लुक है उनका, लेकिन उनको एज अ विलन और वो भी रोहित शेट्टी फिल्म में, तो डेफिनेटली कमबैक तो होने वाला है उनका। तो मुझे तो लग रहा है लोग कह रहे हैं 5 मिनट के ट्रेलर में पूरी पिक्चर दिखा दी। अरे भाई उनके पास और दिखाने को बहुत कुछ होगा, तभी तो 5 मिनट का ट्रेलर दिखाया। और जाहिर है गाड़ियाँ उड़ेंगी, फाइट्स होंगी, एक्शन होगा, मज़ा आएगा, और लोग ऐसी फिल्मों के लिए थिएटर तक जाते हैं। अभी ज़रूरी है लोग थिएटर में जाएं, इंडस्ट्री तभी चलेगी। तो रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर्स ही ऐसी फिल्में बना सकते हैं और लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि थिएटर तक आओ। और एक और बात सामने आई है कि दीपिका ने ये जो मूवी शूट करी है वो अपनी प्रेगनेंसी में। हाँ वो तो रणवीर ने बोल ही दिया। अब मुझे तो दीपिका बढ़िया लग रही है, शक्ति शेट्टी वो कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर आप सिम्मा देखो वो ओवर द टॉप है, ठीक है, तो ऐसा ही कैरेक्टर डिज़ाइन किया है उन्होंने। अब इसे ओवर एक्टिंग, मतलब ऐसे लोग भी कह रहे हैं जिन्हें एक्टिंग का ये नहीं पता होगा, तो एटलीस्ट कैरेक्टर को तो देख लो भैया, पिक्चर तो देख लो फिर जज कर लेना। ट्रेलर पे ही पूरी की पूरी उन्होंने ग्रंथ लिख दिए हैं कि भाई साहब खराब है। ये तो हो गई जी सिंघम की बात हमारी, अब भूल भुलैया पे क्या कहना चाहोगे? यार मुझे तो बढ़िया लगा, ठीक है, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, ठीक है, लोग इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं पुरानी वाली, भाई 17 साल पहले का सिनेमा और अभी का सिनेमा फर्क है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जाहिर तौर पे पहले ट्रेलर देख लेते हैं, सॉरी पहले पिक्चर देख लेते हैं फिर जज करें। कार्तिक मुझे बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तृप्ति नया एडिशन है, और मुझे लगता है माधुरी के आने से एक नया फ्लेवर तो ऐड हुआ है। यार मेरे को ना एक डायलॉग बहुत तगड़ा लगा उसके ट्रेलर में, मैंने देखा, तृप्ति उसे बोलती है यार तुम ना बहुत ठरकी हो, तो कहता है आज, हाँ। मैं लड़का हूँ। यू आर ट्रोलिंग मी। नहीं उसमें क्या कहोगे, ये वाला जो है इस पर ट्रोल भी हो सकती है मूवी? ट्रोल क्या होगी, ठीक है लड़का है टर्की है, बहुत सारे होते हैं। यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट अराउंड यू। हाँ बिल्कुल। तो और बाकी मूवी में छोटा पंडित भी है। छोटा पंडित है, क्या लग रहा है इस बार पड़ेगा दोबारा से?
मैं कह रहा हूँ, जयपुर में जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था ना, पब्लिक पागल हो गई थी राजपाल के लिए. मतलब 5 मिनट तक हूटिंग चलती रही थी, फिर राजपाल बोल पाए. मेरे ख्याल से जो उनकी कॉमिक सेंस है ना, वो और किसी में नहीं. गजब है, गजब है. तो मुझे लगता है दोनों फिल्में जो हैं, अच्छा करें, फिल्में अच्छी हों, इसी से सिनेमा चलेगा, सिनेमा से जुड़े लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमें एंटरटेनमेंट मिलेगा. एंटरटेनमेंट ही चाहिए हमें तो, और कुछ ही चाहिए. भाई 1 नवंबर को ना 2 ऐसी मूवीज़ आ रही है जिसका इंडिया के ऑडियंस को तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहने वाला है, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3. किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? सिंघम अगेन. ऐसा क्यों? मतलब मेरे को अभी तक सिंघम का कोई ऐसा फ़ैन नहीं मिला था. क्योंकि सिंघम अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है. रोहित शेट्टी डायरेक्टर है, तो समझ लो कि गाड़ियाँ उड़ने वाली हैं. और सब गाड़ियाँ तो उड़ने वाली है डेफिनेटली. सिंघम और सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन थे, करीना कपूर. और इस सीज़न में खास बात यह है कि जो उन्होंने मूवी बनाई उसके अलावा सिम्बा, रणवीर सिंह इस मूवी में है, दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम बन के इस मूवी में आ रही है, अक्षय कुमार का कैमियो. ऐसा नहीं लग रहा इतने सारे एक्टर्स हैं, कहीं खिचड़ी ना पक जाए. खिचड़ी रोहित शेट्टी को इसलिए जाना जाता है, चाहे वो बोल बच्चन हो. सिंघम में भी ये नहीं था कि सिंघम में दया भी था, सब थे. सिंघम रिटर्न्स में काफ़ी हिट गई थी, उसके सॉन्ग्स भी हिट गए थे, 16 करोड़ अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हनी सिंह का भी शायद कमबैक हो सकता है. तो उसके लिए एक्साइटेड है. सिंघम रिटर्न्स का ये कि मैंने ट्रेलर देखा, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर एक्शन. चलो ठीक है, 3-2 वगैरह सब देखते हैं हर कोई, लेकिन जो रोहित शेट्टी की मूवीज जानी जाती हैं वो देखना, उसके लिए आप पेशेंस. और जब इतनी ज़्यादा स्टार कास्ट हो तो आप और एक्साइटेड होते हो कि क्या इस मूवी में सभी एक्टर और एक्ट्रेस जस्टिस करेंगे, कि रोहित शेट्टी हैं आइकॉनिक मूवीज़ रहते हैं तो उसके साथ जस्टिस है या नहीं, इस चीज़ के लिए एक्साइटेड है. दूसरा कि अभी जो हमारे मैंने बात की ट्रेलर देखा, मैंने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को आपने लिया, उसको लेडी सिंघम एक और मूवी का टाइटल लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अब लेडी सिंघम बनाओ. तो अब देखते हैं कि क्या है. आई एम एक्साइटेड फॉर 1 नवंबर कि जाके थिएटर्स में हम लोग देखें सिंघम अगेन. देखो मैंने सिंघम की तो यहाँ बात कर ली, मैं तुमसे भूल भुलैया का पूछना चाहूँगी कि भूल भुलैया तुम्हें कैसी लगी? भूल भुलैया का मैंने देखा था ट्रेलर, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. मेरे को विद्या बालन का उसमें देखना है कि वापस विद्या बालन का उसमें रोल है, तो इस बार वो क्या अलग टेस्ट लाएगी उसमें? भाई देखो विद्या बालन की तो रही बात अलग, लेकिन छोटा पंडित दोबारा आ रहा है, क्या लगता है दोबारा से? पहले अक्षय ने मारा था, इस बार क्या लग रहा है कि कार्तिक अपना हाथ घुमा देंगे छोटा पंडित पे? हो सकता है. सेकंड पार्ट में भी तो अलग ही वो देखने को मिला था छोटे पंडित का, तो हो सकता है, इंटरेस्टिंग है वैसे तो. तो अगर मैं बात करूँ भूल भुलैया या फिर सिंघम, कौन सी ज़्यादा पसंद? भूल भुलैया. भूल भुलैया, ठीक है जी. भूल भुलैया ऑडियंस तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भूल भुलैया का ट्रेलर देखा, क्या ज़्यादा पसंद आया उस ट्रेलर में? माधुरी और विद्या बालन का जो अभी देखने को मिला पूरा सीन वगैरह, डांस का स्पेशली, तो उस वजह से. हाँ, दोनों ही माधुरी दीक्षित की एंट्री उसमें, ठीक है. और उसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, भूल भुलैया 2 में जैसे हमने देखा था ऑडियंस का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, क्या लगता है 3 इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली? आई थिंक 3 का हाँ ऑफकोर्स होने वाली है, क्योंकि तृप्ति रिमरी का हमने देखा था कि कला मूवी में उनको बहुत ऐसा अप्रिशिएट किया था, देन एनिमल में भाभी 2 ऑफकोर्स, देन उसके बाद अगर इसमें बात करें तो लोग स्पेशली देखना पसंद करेंगे कि तृप्ति रिमरी का क्या रोल होने वाला है, क्या कैसे वो सीन करने वाली हैं. और देन माधुरी ऑफकोर्स लेजेंड, तो मुझे लगता है कि शायद उतना ब्लॉकबस्टर हिट होगी. एक बात बताओ, 1 नवंबर को 2 ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज आने वाली है जिनका मेरे ख्याल से इंडिया के ऑडियंस को तो बहुत ज़्यादा इंतजार था, कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? यार मैंने ट्रेलर देखे दोनों के, सिंघम एंड भूल भुलैया 3. भूल भुलैया 3 का तो कल ही देखा है, तो भूल भुलैया 3 मुझे इंटरटेनिंग लग रही है, मुझे लग रहा है मज़ा आएगा मूवी में देख के. और ट्रेलर में बहुत सारे नए एलिमेंट्स हैं एंड नए कैरेक्टर्स हैं छोटे पंडित की एंट्री के लिए तो मुझे हाँ डेफिनेटली बिल्कुल. और मुझे आई एम एक्साइटेड टू सी माधुरी दीक्षित एज मॉन्जुलिका एज वेल. आई रियली लाइक हर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हर. एंड आई थिंक स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है. बट उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यार सारे एक्टर्स हैं उसमें, लोगों को जमारधाड़ एक्शन देखना होता तो आई थिंक इट विल डू गुड ऑन बॉक्स ऑफिस. बट आई थिंक भूल भुलैया 3 वुड बी बेटर देन भूल भुलैया 2, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें विद्या बालन है. विद्या बालन इस बार की तो इम्पॉर्टेंट है ही है, डेफिनेटली है. और कॉन्सेप्ट भी मुझे इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अलग होगा, क्योंकि बहुत रिवील नहीं है, कैरेक्टर्स रिवील्ड हैं बट कॉन्सेप्ट बहुत रिवील नहीं है, तो मुझे लग रहा है अच्छा होगा. देखो हमारे पास काफ़ी सारी ऑडियंस मिल गई है जो भूल भुलैया को सपोर्ट कर रही है. अभी ये जो दोनों मूवीज़ आने वाली है, 1 ही तारीख को आ रही है,
ठीक है, आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? यार मुझे लगता है कि जिस तरफ पब्लिक जा रही है उसी तरफ, क्योंकि एक नई जोड़ी है कार्तिक आर्यन और तृप्ति रिमरी, विच पीपल आर एक्साइटेड टू सी ऑन अ बिग स्क्रीन, इससे पहले नहीं था। फिर दूसरी तरफ अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण, ये भी एक ऐसी हॉट सिजलिंग जोड़ी है, तो एक्साइटेड तो दोनों के लिए हूँ। बट ऑफकोर्स पहली टिकट जो होगी वो भूल भुलैया की ही होगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ कार्तिक आर्यन, और उसके साथ तृप्ति दिमरी को देखना मज़ेदार होगा। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर प्रेगनेंसी दीपिका पादुकोण की फिल्म होगी जो उन्होंने प्रेगनेंसी से पहले शूट की थी, तो उसके भी काफ़ी मज़ेदार किस्से होंगे, क्योंकि अक्षय कुमार के सभी के साथ कोई ना कोई मज़ेदार किस्से रहते हैं। लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो जो मूवी उसने शूट करी थी उसके जितने भी एक्शन सीन थे वो उसने प्रेगनेंसी में ही शूट किए हैं, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ दी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मुझे लगता है लोगों को दोनों ही देखनी चाहिए, पर अगर बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल करेगा, क्योंकि जैसे भूल भुलैया 2 मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, बट इट वॉज सुपर डुपर हिट फॉर व्हाट्स अ रीज़न, तो मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन ही, उनकी फैन बेस बहुत कल्ट है, अच्छी है, तो वो उस तरफ इंक्लाइन ज़रूर होंगे। भूल भुलैया या सिंघम, किसका ट्रेलर देख लिया? दोनों का ही देख लिया। दोनों का देख लिया, कौन सी ज़्यादा पसंद आने वाली है? देखो पसंद तो भूल भुलैया ही आएगी, कार्तिक है, और मैं एक्साइटेड हूँ माधुरी के लिए। मतलब पता है कि मौंजलिका है, विद्या बालन, बट माधुरी का क्या रोल है उसमें, क्योंकि एक सेम एज वाले 2 एक्टर्स हैं, तो वो वाली चीज़ है थोड़ी कि एक्साइट कर रही है कि क्या रोल हो सकता है, तो मैं माधुरी के लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी तो छोटा पंडित वापस आ गया है, तो वो एक है ही, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, और सिंघम के बारे में क्या कहोगे? विलेन के वाइज अर्जुन कपूर, ऊपर से सामने मतलब उसे अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, वैसे एक्टर्स के साथ तो पता नहीं। तो अगर अर्जुन कपूर हम ना रखें, आपसे सजेशन ले, तो कौन होना चाहिए था इस मूवी में विलेन? विलेन होना चाहिए प्रकाश राज जैसा, मतलब हो थोड़ा, हाँ लगे, डर लगे कि यार हीरोइन वापस कैसे आएगी, ये तो अर्जुन सॉफ्ट बॉय है यार। देखो ये बंदा जो है इसको हमने यहाँ ज़बरदस्ती बिठाया है, इससे पूछते हैं भूल भुलैया का ट्रेलर देखा? हाँ ट्रेलर तो मस्त है, पर उसमें कुछ सस्पेंस नहीं रखा, फिर उसने हर कैरेक्टर के बारे में पहले ही बता दिया है कि कौन क्या करने वाला है, किसका क्या रोल है। मेरे ख्याल से वो हाइप क्रिएट करने की है ना इन्होंने। हाँ तो थोड़ा सस्पेंस रखना चाहिए था ये। अच्छा, लेकिन उसी के साथ सिंघम भी आ रही है, सिंघम पे क्या राय है तुम्हारी? एक्चुअली सिंघम की ट्रेलर अभी हमने देखी नहीं, तो फिर उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है भाई, 1 नवंबर को 2 बहुत तगड़ी मूवीज रिलीज होने वाली है, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, दोनों में से किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है? भूल भुलैया। ऐसा क्यों? अरे यार क्योंकि सिंघम का ट्रेलर देखा, वो पहली बात तो ट्रेलर नहीं है, वो है शॉर्ट मूवी पूरी। पर हाँ भूल भुलैया का जैसे फर्स्ट पार्ट जो था वो बहुत औसम था, सेकंड पार्ट भी ठीक था, तो सेकंड पार्ट के वो मुकाबले देख सकते हैं कि थर्ड पार्ट भी हम देख लें, तो इसलिए। कौन से एक करेक्टर को दोबारा से उस अवतार में देखना पसंद करोगे भूल भुलैया में? भूल भुलैया में अक्षय कुमार को। यार अक्षय बाजी तो नहीं है। वो एपिक है, क्योंकि उनको मैं चाहता हूँ कि वो पहले ही अपने वाले करेक्टर में वापस आए, बट नो डाउट कार्तिक आर्यन भी अच्छा कर रहा है। भूल भुलैया का ट्रेलर देखा? हाँ यार देखा था। सिंघम का देखा? यार वो मतलब उससे ना कंपैरेटिवली भूल भुलैया ही देखना चाहेंगे लोग। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब इतनी ज़्यादा हाइप दोनों ही मूवीज की हो रही है, लेकिन लोग भूल भुलैया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन क्यों है? क्योंकि वो यार फन पैक्ड एंटरटेनमेंट होगा, प्लस दूसरी साइड में एक्शन का है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, दोनों में से किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो? भूल भुलैया 3। मतलब उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या नया होने वाला है? लाइक भूल उसमें मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था कि विद्या बालन के साथ एक और लीड एक्ट्रेस है शायद उसमें, जिसने एक चुड़ैल का रोल किया है। हाँ दैट इज माधुरी। तो माधुरी है वो? ओके, मुझे नहीं पता था। तो उन दोनों का मुझे अवतार देखना है उस मूवी में, कार्तिक आर्यन का भी रोल नया देखना है मुझे, क्या करने वाला है भूल भुलैया 3 में। भाई भूल भुलैया का ट्रेलर देखा? देखा है। देखो इस बार मौंजुलिका जो है वो अपनी वापस आ गई है, क्या एक्सपेक्टेशन है मूवी से? लगता है इस बार ब्लॉकबस्टर तो जा सकती है, क्योंकि विद्या बालन फिर से आ गई है, और जो उन्होंने पहला रोल किया था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और सिंघम? सिंघम नहीं देखा है। तो भाई सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा? यस। कैसा लगा? रोहित शेट्टी है भाई, वो एक गाड़ी यहाँ से उड़ाएगा, एक गाड़ी वहाँ से उड़ाएगा, पब्लिक फुल मौज में कि भाई क्या उड़ाई है गाड़ी। दूसरी तरफ भूल भुलैया की बात करूँ तो उसमें क्या देखना पसंद करोगे? भूल भुलैया अच्छा है, एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, उसमें माधुरी जी भी ऐड हुई हैं, तो देखते हैं क्या है। कुछ उनका सीन वीन भी था एक अच्छा, जिसमें वो बाल बाल से पकड़ के विद्या बालन ऊपर लेके जा रही है, तो थोड़ा हॉरर था, देखते हैं फिर। एंड अचानक से एक उसमें ट्विस्ट आ गया कि दोनों ही बोलती हैं भाई हम ही मंजुलिका हैं, तो कार्तिक आर्यन उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं क्या है, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। सर सिंघम का ट्रेलर देखा? अच्छा है बहुत, रोहित शेट्टी ने पहली बार इतना मल्टी टैलेंटेड टास्क पूरा अंदर उजेड़ दिया है,
पूरी पिक्चर जो है, बस एक चाह रहा पूरी पिक्चर जो है वो ट्रेलर में दिखा दी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखते हैं आगे पिक्चर में क्या मिलता है। मुझे लगता है इन्होंने टाइम जो है ना बहुत लंबा ले लिया कि नवंबर में जाकर रिलीज़ करेंगे, यहीं दशहरे के टाइम पर रिलीज़ कर देते तो शायद पब्लिसिटी और भीड़ बढ़ जाती है, प्रभु श्री राम को देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हनुमान जी को देखने के लिए, तो बहुत लंबा टाइम है, नवंबर में जाके रिलीज़ कर रहे हैं अगले टैक्स मंथ, इसी मंथ रिलीज़ कर देते। और भूल भुलैया की बात करें, दोनों ही मूवी 1 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। हाँ, ये फाइट है दोनों को देखने वाली की, एक तरफ विद्या बालन और माधुरी है और एक तरफ स्टार कास्ट की भरमार, ये चैलेंज है दोनों फिल्मों के लिए कौन सा अच्छा है। जिसका रिस्पांस अच्छा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से लोग सिंघम ज़्यादा देखने जाएंगे। लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि दोनों ही मूवीज़ की जो ऑडियंस है वो एकदम कल्ट ऑडियंस है और दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। जहाँ लोग भूल भुलैया के लिए एक्साइटेड है तो वही लोग सिंघम अगेन के लिए भी उतना ही एक्साइटेड है। तो देखना ज़रूरी ये होगा कि कौन सी मूवी असलियत में ज़्यादा कमाई करती है। और आपको क्या लगता है कौन सी मूवी इस बार बॉक्स ऑफिस पे छाने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके ट्रेलर पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ENT लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.